गाइस स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने जो आज़ाद मोर्चा को लेकर। जी हाँ, आज़ाद मोर्चा की स्थापना है वो कब हुई थी? तो आज़ाद मोर्चा की स्थापना 1942 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो बाबा हरिश्चंद्र इसके संस्थापक थे। अन्य सदस्य कौन थे? तो इसके अन्य सदस्य थे टीकाराम पालीवाल, एस डी राय और दौलत भंडारी, देवी शंकर तिवाड़ी अन्य सदस्य थे। आज़ाद मोर्चा ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। वहीं बात की जाए 1944 यानी 1944 को, तो 1944 में जयपुर प्रजामंडल का चौथा अधिवेशन है जो जानकी देवी बजाज की अध्यक्षता में किया गया था। 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के बाद आज़ाद मोर्चा का विलय जयपुर प्रजामंडल में किया गया था और जयपुर रियासत के उत्तरदायी शासन की स्थापना भी की गई थी। इसीलिए इसे द्विसदनीय व्यवस्था की कहा गया है, जयपुर परिषद, जिसमें कुल 12 सदस्य हैं। प्रजामंडल की ओर से देवी शंकर तिवाड़ी जीत कर आए थे। एक थे जयपुर परिषद, एक थे प्रजा प्रतिनिधि सभा जिसमें कुल 62 सदस्य थे। प्रजामंडल से 27 सदस्य जीत कर आए थे। इन सदनों के स्पष्ट बहुमत राज परिवार के पास था। देवी शंकर तिवाड़ी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो देवी शंकर तिवाड़ी उसको मंत्रिमंडल में शामिल किया। राजस्थान के प्रथम गैर सरकारी मंत्री कौन थे? देवी शंकर तिवाड़ी थे। राजस्थान के प्रथम गैर सरकारी मंत्री कौन थे? देवी शंकर तिवाड़ी थे। 1946 उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी और 1947 में मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया गया था। हीरालाल शास्त्री जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, टीकाराम पालीवाल, रामप्रण जोशी, देवी शंकर तिवाड़ी मंत्री थे। हीरालाल शास्त्री के काल में 1947 में सेकावाट किसान आंदोलन है वो पूर्णतः समाप्त हुए थे। अब बात आप कर रहे थे जयपुर प्रजामंडल की, तो जयपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना बता देते पहले आपको, तो वो हुई थी 1931 में। जो आपको पहले रिमेनिंग रखा था पार्ट उसको पूरा करें तो 1930 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, संस्थापक था कर्पूर चंद्र पाठ ने, पुनर्गठन हुआ था 1936-37 में। तो ये जयपुर प्रजामंडल को लेकर आज की कुछ विशेष बातें रही हैं आपके साथ।